रिसेंटली बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि तीन इंपॉर्टेंट कैंसर ड्रग्स की इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जा रही है ताकि पेशेंट को ये ड्रग्स सस्ते मिले। क्या एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स को इस मूव से फायदा मिलेगा? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, रिसेंट बजट सेशन में ये काफी इंटरेस्ट वाली बात थी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि वो कैंसर पेशेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पहल कर रहे हैं और कुछ तीन सिलेक्टेड कैंसर ड्रग्स में इंपोर्ट ड्यूटी को घटा रहे हैं ताकि कैंसर पेशेंट्स को ये ड्रग सस्ते में मिल सके। इसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे कैंसर ड्रग पेशेंट्स ने मुझसे बात करी और मुझसे कंसल्ट किया कि सर, ये न्यूज हमने सुनी है तो अब तो हमारा कैंसर का इलाज सस्ता हो जाना चाहिए, तो हमारा कैंसर का इलाज सस्ता क्यों नहीं होता? तो फ्रेंड्स, आज मुझे लगा कि इस चीज से रिलेटेड मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे और आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जैक्टली अनाउंसमेंट क्या करी है और किन कैंसर ड्रग्स पे ये अप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जैक्टली जो बोला है वो ये बोला है कि तीन इंपॉर्टेंट कैंसर ड्रग्स की इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा, हटाया दिया जाएगा ताकि ये तीन कैंसर ड्रग पेशेंट को सस्ते में मिले। ये तीन ड्रग्स जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करे है वो है ऑसिमर्टिनिब या टाइग्रिसो, इम्फिंजी या डोरवालुमैब और एनहर्टू या ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सटिकन। गौरतलब है ये तीनों पेटेंटेड ड्रग है और इंपोर्ट करके इंडिया में मंगाए जाते हैं। तो बस इन्हीं तीन ड्रग्स के बारे में अनाउंसमेंट की गई है और एक्सपेक्टेड है कि इन ड्रग्स का कॉस्ट अराउंड 10-15% इंपोर्ट ड्यूटी हटने की वजह से अचीव किया जाएगा। तो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि क्या इससे पेशेंट्स का कोई फायदा होगा या इससे बस कंपनी को फायदा होगा? तो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडेबल है कि कंपनी का जो ड्रग परचेज या सेल प्राइस है वो रिलेटिवली वेल डिफाइंड है, और यदि एक ओपन अनाउंसमेंट की गई है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करी है तो कंपनी को उतने अमाउंट पे ड्रग्स का रेट कम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यदि कोई ऐसे पेशेंट्स है जो ड्रग्स ले रहे हैं यानी कि टाइग्रिसो, इम्फिंजी या एनहर्टू, तो डेफिनेटली इन पेशेंट्स को इस स्कीम से फायदा होगा। यदि हम तीन ड्रग्स की बात करें उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो फ्रेंड्स, टाइग्रिसो यानी ऑसिमर्टिनिब एक ड्रग है जो EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर में इस्तेमाल होता है। आप स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से हमारे EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर वीडियो देख सकते हैं। ये हमारी कंट्री में होने वाले सबसे कॉमन लंग कैंसर में से एक है जो कि स्टेज 4 में कॉमनली पकड़ा जाता है, और ऑसिमर्टिनिब ड्रग बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और पेशेंट्स के सर्वाइवल को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और डेफिनेटली इस ड्रग का कॉस्ट रिडक्शन बहुत ही वेलकम स्टेप है और बहुत सारे पेशेंट्स को इस ड्रग के कॉस्ट रिडक्शन से फायदा होगा। सेकेंड ड्रग जो इस स्कीम में टारगेटेड है उसको हम एनहर्टू या ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सटिकन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सटिकन एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है, इसको एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट या ADC बोलते हैं, और ये नया ड्रग है जो हर2 पॉजिटिव कैंसर में यूज करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर और लंग कैंसर, परंतु पूरी बॉडी में कहीं पे भी हर2 पॉजिटिव ट्यूमर है उसमें इस ड्रग का इंपॉर्टेंट रोल है। और ये ड्रग का एक्सपेक्टेशन है कि ये इस हर2 पॉजिटिव कैंसर में बहुत ही लंबा और बहुत ही डीप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या लॉन्ग टर्म आउटकम दे पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली एनहर्टू एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रग है। इस समय इंडिया में जितने भी एंटी कैंसर ड्रग्स अवेलेबल है प्रॉब्ली ये उनमें से सबसे महंगा ड्रग है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एनहर्टू की एक्सेसिबिलिटी इस समय काफी कम है और प्रॉब्ली नॉट मोर देन 1% ऑफ पेशेंट, यानी कैंसर मरीजों में से 1% पेशेंट ही ऐसे है जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज के दिन एनहर्टू को अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली इसके कॉस्ट में 10-15% की रिडक्शन से इस ड्रग की एक्सेसिबिलिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए एनहर्टू डेफिनेटली, देखो कोई पेशेंट एनहर्टू ले रहा है उसके लिए फायदेमंद है क्योंकि उसका कॉस्ट इंप्लीकेशन होगा और पेशेंट का खर्चा कम होगा। बट यदि हम इंडिया एज अ होल की बात करें तो एनहर्टू पे इंपोर्ट ड्यूटी कट होने से बहुत सारे पेशेंट्स को प्रॉब्ली बेनिफिट नहीं मिलेगा। और थर्ड ड्रग है डोरवालुमैब या इम्फिंजी। फ्रेंड्स, डोरवालुमैब या इम्फिंजी एक इम्यूनोथेरेपी ड्रग है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है को जाके कैंसर सेल को मारे। और इंडिया में इस समय 5-6 अलग अलग इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स अवेलेबल है जिनमें से एक डोरवालुमैब या इम्फिंजी है। तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसा हार्ड पॉइंट नहीं है जो डोरवालुमैब को दूसरे इम्यूनोथेरेपी ड्रग से डिफरेंशिएट करता है। बस ये है कि कुछ सेटिंग्स में डोरवालुमैब का डेटा बहुत ही फेवरेबल है, स्पेशली गॉल ब्लैडर कैंसर और लंग कैंसर, और इन पेशेंट्स में जिनमें बायोमार्कर्स पॉजिटिव है आप इन ड्रग्स को यूज करके पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंप्रूव कर सकते हो। तो अगेन, जो पेशेंट्स को ये ड्रग दिया जा रहा है उनके कैंसर के लिए, उनके लिए एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। बट डोरवालुमैब भी एक एक्सपेंसिव इम्यूनोथेरेपी ड्रग है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 5-10% ऑफ कैंसर पेशेंट डोरवालुमैब यूज करते होंगे। तो ऑन अ इंडिया वाइड लेवल प्रोबेबली डोरवालुमैब का कॉस्ट रिडक्शन का एप्लीकेशन कंपेयर टू सम अदर ड्रग्स कम होता होगा। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, इस बात मेरी बातों को सुन के आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर विनीत बड़े सेटिस्फाइड नहीं लग रहे। तो मेरा पॉइंट यही है, हालांकि देखो कोई भी कैंसर ड्रग का कॉस्ट कम होता है
और पेशेंट को फायदा होता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट और पेशेंट दोनों खुशी होते हैं। बट ओवरऑल मैं इसलिए इस मूव से बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि ये वो ड्रग्स है जो बहुत ही सिलेक्टेड पॉपुलेशन का हिस्सा अफोर्ड कर सकते हैं। टैग्रिसो डेफिनेटली एक ड्रग है जो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ अ काइंड ड्रग है, परंतु मेरे हिसाब से एक आइडियल ड्रग जिसका कॉस्ट कम होना चाहिए वो ऐसा ड्रग है जिसके लिए कोई रिप्लेसमेंट ना हो, जिसको ऑलरेडी कॉस्ट रीजनेबल से थोड़ा सा ऊपर या नियर रीजनेबल हो, ताकि पेशेंट जो ड्रग को एक्सेस कर सकते हैं थोड़े से कॉस्ट रिडक्शन से पेशेंट एक्सेस का पूल कई गुना बढ़ जाए। तो ऑब्वियसली देखो, यदि कोई दवाई ऐसी है जिसका साल में 1 करोड़ का खर्चा है, उसका कॉस्ट साल में 1 करोड़ से कम होकर 90 लाख पर साल हो जाएगा, तो उससे ऐसा नहीं होगा कि जो पेशेंट उस ड्रग को ले सकते हैं वो 2 गुने या 3 गुने हो जाएंगे। जो पेशेंट 1 करोड़ की दवाई ले सकते हैं वो 90 लाख की दवाई भी ले सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि एनहर्टू जैसी एक्सपेंसिव ड्रग पे इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन यानी 10-15% के कॉस्ट रिडक्शन से एक्चुअली प्रैक्टिकली इंडिया लेवल पे हमारी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, और इस तरह के रिसोर्सेज को हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं एक वाइडर पॉपुलेशन को ट्रीट या एक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है सर, आप गवर्नमेंट के एडवाइजरी पैनल में नहीं है, पर यदि आपके हाथ में पावर होती कि आप सेलेक्ट कर पाते कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस चीज पे एलोकेट करे, यानी किन दवाइयों का कॉस्ट कम करे या किन टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम करे, तो आप क्या करते हैं, आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए? तो मैं बताता हूं मेरे ड्रीम बजट, ड्रीम ऑन्कोलॉजी बजट के 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो यदि मैं डिसाइड करता कि किन चीजों का कॉस्ट कम होता है तो मैं क्या अचीव करता। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी पूछो तो यदि कैंसर में किसी टेक्नोलॉजी के कॉस्ट के कम होने से पेशेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो उस टेक्नोलॉजी के कुछ खास फीचर्स होने चाहिए। नंबर वन, वो टेक्नोलॉजी का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो उसका कॉस्ट ऑलरेडी एक रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल हो चाहिए, यानी सपोज 10-20% पॉपुलेशन उस ड्रग को एक्सेस कर सकती है, और यदि उसका कॉस्ट 10-20% और कम हो जाए तो वो इंक्रीज होकर 50-60% में पहुंच जाए। तो एक ऐसा ड्रग जिसके कॉस्ट में थोड़ी रिडक्शन से ज्यादा पॉपुलेशन घेरे में आ जाए, कंपेयर टू एक ऐसा ड्रग जिसके कॉस्ट में रिडक्शन से सिर्फ कुछ ही पेशेंट और उस ड्रग को एक्सेस कर पाए, तो आइडियल ड्रग ऐसा होना चाहिए इसका कॉस्ट जरा सा भी कम हो तो एक बहुत ही बड़ा तबका पॉपुलेशन उस ड्रग को एक्सेस करने के लायक हो जाए। तो फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर अ गुड ड्रग विच इज अ गुड कैंडिडेट फॉर कॉस्ट रिडक्शन। सेकेंडली, उस ड्रग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बहुत महंगा ड्रग है और एक बहुत सस्ता ड्रग है जिनका बेनिफिट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो एक्चुअली उस बहुत महंगे ड्रग के कॉस्ट रिडक्शन का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट यदि मैं चाहूँ तो अपने पेशेंट को वो सस्ता वाला ड्रग ऑफर कर सकता हूँ। सपोज 2 ड्रग है, 1 ड्रग की कीमत 1 लाख रुपए महीने है और 1 ड्रग की कीमत 10,000 रुपए महीने है, पर दोनों ड्रग में बेनिफिट का डिफरेंस 10% ही है, तो ऑब्वियसली मैं पेशेंट को दोनों ऑप्शन ऑफर करूंगा, और जो पेशेंट चीपर महंगा ड्रग अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीपर ड्रग से भी काफी अच्छा आउटकम पा सकते हैं। तो ऐसे केस में जो 1 लाख 1.5 लाख वाला ड्रग है उसका कॉस्ट रिडक्शन से हम बहुत कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सेकंड वाइटल चीज एक अच्छे ड्रग के लिए फॉर कॉस्ट रिडक्शन है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए और वो ड्रग वन ऑफ अ काइंड होना चाहिए। और थर्ड, कोई टेक्नोलॉजी जो पेशेंट के जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर दे, उस टेक्नोलॉजी को यदि हम चीपर बना सके तो डेफिनेटली वो बहुत सारे पेशेंट्स को इंपैक्ट करेगा। तो यदि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मान लो पेशेंट की एक तरफ की जर्नी है जिसमें उसको सिर्फ कीमोथेरेपी मिलती है और सर्वाइवल शॉर्ट रहता है, और पेशेंट की दूसरी तरफ की जर्नी है जिसमें पेशेंट पता कर सकता है कि उसको कौन सी तरह की थेरेपी बेस्ट सूट करेगी और वो हार्मफुल ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करके सिर्फ वही ट्रीटमेंट ले जो उसका सर्वाइवल कई गुना बढ़ा सकते हैं विद लो साइड इफेक्ट, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी यदि हम पेशेंट को लो कॉस्ट या फ्री में दे सके तो उससे हम एक झटके में लाखों हजारों पेशेंट का फायदा कर सकते हैं और उनका सर्वाइवल कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 तरह की टेक्नोलॉजीज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये चीजें पेशेंट को सस्ते में मिले। इन 3 चीजों को माइंड में रखते हुए मेरे ड्रीम बजट में गवर्नमेंट का इच्छा होगी कि 3 तरह की टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम हो। नंबर 1, एल्क डायरेक्टेड कैंसर ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर के बारे में हमने चैनल में कई बार बात करी है। लंग कैंसर एक हेट्रोजेनस बीमारी है, इसमें बहुत सारे कैंसर के सब टाइप्स है और उनमें से एक सब टाइप होता है एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर, जो करीब 2-7% लंग कैंसर पेशेंट में पॉजिटिव आता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एल्क पॉजिटिव कैंसर पेशेंट का इलाज यदि आप कीमोथेरेपी से करो और नई टेक्नोलॉजी टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी ना दो, तो इन पेशेंट्स का सर्वाइवल टिपिकली 8-12 महीने के बीच में होता है। पर इसी पेशेंट को यदि आप एल्क वाली टारगेटेड थेरेपी दो तो इन पेशेंट्स का एवरेज सर्वाइवल 8-10 साल या उससे भी ऊपर है। तो एक कैंसर है जिसका एक रिलेटिवली
सिंपल टैबलेट या टारगेटेड थेरेपी से आप सर्वाइवल को 10 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। मतलब एक बहुत ही हाई इंपैक्ट ट्रीटमेंट है जिसको यदि आप पेशेंट को एक्सेस करवा सको तो पेशेंट का सर्वाइवल काफी चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट यह है कि इस समय एल्क के लिए जो भी टारगेटेड थेरेपीज इंडिया में अवेलेबल है सारी ही पेटेंटेड है और सारी ही इंपोर्ट होकर आती है, और उनमें जो सबसे सस्ती टैबलेट है वो करीब 40,000 रुपए महीने की आती है। तो फ्रेंड्स यदि ऐसी कोई टैबलेट का कॉस्ट सपोज 40,000 से 30,000 या 25,000 हो जाए तो मेरे हिसाब से एक लार्ज पॉपुलेशन का सेगमेंट जो इस समय दवाई नहीं ले सकता वो दवाई को अफोर्ड करने लायक हो जाएगा, और हम एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट कैंसर पॉपुलेशन पे कर सकते हैं जिन पेशेंट का सर्वाइवल 1 साल या 9 महीने है, उनका इमीडिएटली सर्वाइवल एक्सटेंड होके 8 to 10 years में चले जाएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग जो मेरे ड्रीम बजट में मैं चाहूंगा गवर्नमेंट का रेट कम करे वो है एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर की दवाई। नंबर टू, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि यदि दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें एक दोनों का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है पर एक बेटर वाली है जो थोड़ी सी बेटर है पर बहुत महंगी है और एक कम बेटर वाली है जो थोड़ी सी जो काफी सस्ती है पर दोनों में बेनिफिट मिनिमल है, यही कॉन्सेप्ट लो डोज और फुल डोज इम्यूनोथेरेपी भी अप्लाई करती है। तो फ्रेंड जो लोग लो डोज इम्यूनोथेरेपी के कॉन्सेप्ट नहीं जानते वो वीडियो लिंक फॉलो करके हमारा लो डोज इम्यूनोथेरेपी वाला वीडियो देख सकते हैं। बट ब्रीफली यदि मैं समराइज करूं, लो डोज इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी देने का एक नया तरीका है जिसमें इम्यूनोथेरेपी को 90% डोज रिडक्शन पे दिया जाता है जिससे उसका कॉस्ट भी 90% कम होता है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो अर्ली डेटा अवेलेबल है वो ये कहता है कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी का ऑलमोस्ट प्रॉब्ली बेनिफिट हाई फुल डोज इम्यूनोथेरेपी से कंपेरेबल है, एक्टिविटी सिमिलर है, बस रिसर्च की कमी है उसको प्रूव करने के लिए। तो यदि मैं गवर्नमेंट की जगह होता तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्सिडी ऑन सिंगल ड्रग्स मैं शायद ये कोशिश करता कि इस रिसर्च के ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च करे, और मेरे हिसाब से यदि गवर्नमेंट इस रिसर्च के ऊपर मे बी 10 to 20 crores भी खर्च करे और इससे हमारे एक पॉजिटिव रिजल्ट आया था कि लो डोज और फुल डोज इम्यूनोथेरेपी का रिजल्ट कितना परसेंट बेटर या कितना परसेंट वर्स है और कितना कंपेरेबल है, इससे एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट आएगा। जो इम्यूनोथेरेपी आज के दिन सिर्फ कुछ ही पेशेंट एक्सेस कर सकते हैं, सडनली हजारों लाखों पेशेंट उस इम्यूनोथेरेपी को एक्सेस कर पाएंगे और अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। तो सेकंड मेरे ड्रीम बजट में होगा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री या सब्सिडाइज रिसर्च इनटू लो डोज इम्यूनोथेरेपी ताकि एक मेजर इंपैक्ट हजारों लाखों पेशेंट की लाइफ में आ सके। और नंबर थ्री जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है, जैसे हमने डिस्कस किया जेनेटिक टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस, तो यदि गवर्नमेंट कैंसर की जेनेटिक टेस्टिंग की मशीनों को सब्सिडाइज रेट पे ले आए या पेशेंट्स को गवर्नमेंट के नेशनल प्रोग्राम में फ्री ऑफर करे या पेशेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दे कि भाई मान लो 10,000 का टेस्ट है उसमें आधे गवर्नमेंट दे दे आधे पेशेंट दे दे, तो उससे मेजर इंपैक्ट पड़ेगा पेशेंट के लाइफ टाइम और सर्वाइवल पे। जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेशेंट की जर्नी चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल सपोज लंग कैंसर है, यदि इस पेशेंट की जेनेटिक टेस्टिंग नहीं होगी और उसको स्टेज 4 है तो उसका इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी से होगा और इन पेशेंट्स का एवरेज सर्वाइवल 8 से 12 महीने है, जबकि यदि इन्हीं पेशेंट की जेनेटिक टेस्टिंग हो जाए और उनमें कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए इसके लिए कोई सस्ती या इजी टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है तो इन्हीं पेशेंट का सर्वाइवल खिंच के कई कई साल या कभी कभी डेकेड से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक सिंपल टेस्ट की अनअवेलेबिलिटी के कारण पेशेंट कई बार ये हाईली एक्टिव और हाईली इफेक्टिव थेरेपीज को एक्सेस नहीं कर पाते। तो यदि गवर्नमेंट अपने बजट में जेनेटिक टेस्टिंग या ट्यूमर की बायोमार्कर टेस्टिंग के लिए कुछ एलोकेशन दे ताकि पेशेंट्स को और अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्टिंग अवेलेबल रहे और वो अपना टेस्ट फ्री या सब्सिडाइज रेट पे कर सके, तो जो पेशेंट आज जेनेटिक टेस्टिंग करा पा रहे हैं उससे कई कई गुना पेशेंट्स की हम जेनेटिक टेस्टिंग कर पाएंगे और बहुत सारे पेशेंट की जर्नी हम चेंज कर देंगे रेदर देन गोइंग इन अ कीमोथेरेपी काइंड ऑफ जर्नी जिसमें ज्यादातर पेशेंट का आउटकम बस ओके ही रहता है। उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और हजारों लाखों पेशेंट की सर्वाइवल और आउटकम को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरे ड्रीम ऑन्कोलॉजी बजट में तीन चीजें आती है। लेट्स होप गवर्नमेंट का जो एडवाइजरी पैनल है वो भी इन बारे में सोचे। डेफिनेटली देखो गवर्नमेंट की बहुत सारी और प्रायोरिटीज है, मैं नहीं क्लेम कर रहा कि मेरे पास हक होना चाहिए डिसाइड करने का कि गवर्नमेंट को किस चीज पे खर्चा करना चाहिए किस पे नहीं खर्चा करना चाहिए, बट यदि गवर्नमेंट एक लार्जर पिक्चर को लेकर चले मुझे लगता है कि कुछ सुपर एक्सपेंसिव ड्रग्स का रेट 10% कम करने की बजाय यदि गवर्नमेंट ऐसी चीजों पर काम करे जिनका आउटसाइज इंपैक्ट हो कई कई गुना ज्यादा पेशेंट्स को बेनिफिट होगा, उनका लॉन्ग टर्म आउटकम बढ़ेगा। गवर्नमेंट की जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने वाला स्टेप है वो डेफिनेटली हाईली वेलकम है, और जिन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट चल रही है उनकी जब ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम होएगा मेरे हिसाब से इससे कई पेशेंट को खुशी और बेटर सर्वाइवल मिलेगा। बट जब हम एक लिमिटेड बजट वाली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं जिसको लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे हिसाब से
गवर्नमेंट को ज्यादा जोर हाई इंपैक्ट ट्रीटमेंट से हाई इंपैक्ट टेस्ट पे करना चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को इन ट्रीटमेंट्स का फायदा दे सके और पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट की रिसेंट बजट अनाउंसमेंट के बारे में आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फ्रेंड्स, कैंसर से रिलेटेड जानकारी में हमारे चैनल का मेन गोल ये है कि हमारे कंट्री के पेशेंट्स को वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का एक्सेस मिले और उनका सर्वाइवल वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स के बराबर या उससे बेटर हो। तो इस मिशन में हमारे से जुड़ने के लिए चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जल्दी हम आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।